कनान पुलिस स्टेशन अंतर्गत खदान नंबर 6 इंदर कॉलोनी में दिन दहाड़े मामूली बात पर एक युवक की सीने में चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आइए जानते हैं पूरा मामला। जानकारी के अनुसार सोमवार को दोपहर 4 से 4:30 के बीच आरोपी आकाश राजेश राजभर एवं इंदर कॉलोनी निवासी सुनील चुन्नीलाल निषाद के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि आकाश राजभर ने सुनील निषाद के सीने में धारदार चाकू से लगातार वार कर उसे गंभीर जख्मी कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कनान वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सार्थक नेहते, सहायक निरीक्षक चौहान, जयलाल सहारे, कोमल खैरे, अनिल यादव सहित अन्य पुलिस कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और पंचनामा कर जख्मी युवक को जेएन हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे कामठी के अस्पताल में रेफर कर दिया। जख्मी युवक को कामठी के अस्पताल में ले जाने पर डॉक्टर ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। पश्चात पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए कामठी उपजिला रुग्णालय रवाना किया गया। मामले की जानकारी मिलते ही नागपुर ग्रामीण के अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संदीप पखाले, उप विभागीय पुलिस अधिकारी पुंडलिक भटकर ने घटना स्थल पर भेंट दी। कनान पुलिस ने आरोपी आकाश राजभर को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है, जिसकी जानकारी दी। आज दुपारी 2 वाजेच्या सुमारास पाण्याच्या टाकीजो इंदर कॉलनी नंबर 6 मध्ये आकाश राजधर वय वर्ष 20 आणि सुनील चुन्नीलाल केवट या दोघांमध्ये वाद झाला होता। सुनील त्याला पागल पागल म्हणून चिडवत होता। आकाशने त्याला जाब विचारल्यानंतर सुनीलने त्याला तोंडावर ठोसा मारला होता, त्यामुळे आकाश चिडला व आकाश स्वतःच्या घरी पळत गेला आणि त्याने तिथून चाकू आणला व सुनीलच्या घरात घुसून त्याच्या छातीवर त्याने चाकूचा वार केला आणि सुनील जागीच कोसळला आणि गतप्राण झालेला आहे। बॉडी PM कामठी येथे नेलेली आहे आणि आरोपी आकाश राजेश राजधर हा पोलिसांच्या ताब्यात आहे। पुढील तपास आम्ही करीत आहोत। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।